हेलो दोस्तों, आज हम आपको दिखाते हैं कि बाथरूम की सीवर पाइप फिटिंग किस तरीके से करी जाती है और कैसे करी जाती है। ये हम पाइप में 4 इंची पाइप लाइन बिछा रहे हैं। हम ये हमारा टॉयलेट का पाइप है। यहाँ पे हमने ये टॉयलेट की एल्बो लगा दी है और यहाँ पे हमारी सीट है जो आएगी वो 9 इंची सीट आएगी, इसलिए हम ये पॉइंट बना रहे हैं। और यहाँ पे हमने ये 18 इंची हटा कर रखा है और यहाँ से हमने ये टुकड़ा नाप रहे हैं। और जैसा कि दोस्तों 9 इंची सीट जो हमारी आती है उसके लिए हमें पीछे से हमें जो छोड़ना है, हमारी इस समय टाइल लगी हुई है दीवार पे, तो हमें 9 इंची की जगह हमें पीछे से जो रखना है हमें वो हमें 9.5 इंची छोड़ना है। पीछे की वाली पीछे वाली किनारा है वो 9.5 इंची, क्योंकि आधा इंची हमारी पीछे सीट के जगह रहनी चाहिए क्योंकि हमारी सीट टाइल में नहीं टकराए, और इसलिए हमें पीछे से 9.5 इंची सीट हटा कर रखनी है। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, ये हम एल्बो में पाइप में हमने एल्बो लगा रखी है और हम ये अब सीट का हमने पॉन्ड बना दिया है। ये हमारा टॉयलेट वाला पाइप है और ये हमने सीवर लाइन फिटिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमने ये 3x4 की हमने टी में 3 इंची का टुकड़ा लगा दिया है और यहाँ पे हमने ये और ये हमने हिल्टी से हॉल काट रहे हैं। और ये हॉल हम किस तरीके से काट रहे हैं ये देखिए, ये हमारी पास 5 किलो वाली हमने ये हिल्टी ले रखी है और ये हमने हिल्टी छोटे मोटे रोबे और ये कटिंग मारने के लिए इसी से ही हम रोबे मार लेते हैं, इसी से हम कटिंग करते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को बने रहें, वीडियो एंड तक देखें, वीडियो को लाइक और शेयर, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर हम जो पॉन्ड बना रहे हैं, ये यहाँ पर हमारा जो पॉन्ड बनेगा वो हमारा वॉश बेसिन के लिए हमारा पॉन्ड बनेगा। और जैसा कि दोस्तों आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में बने रहें। Thank you.
Let's go.